हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस क्लास. सो इन प्रीवियस चैप्टर वी आर डिस्कसिंग अबाउट फिक्शन एंड वी हैव सॉल्व द एक्सरसाइजेस आल्सो. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर 13, दैट इज साउंड. ओके, सो व्हाट इज साउंड? द साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी लाइक हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी एंड इट कॉजेस सेंसेशन ऑफ हियरिंग टू आवर ईयर. ठीक, तो साउंड क्या है? साउंड इज अ फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एनर्जी. ओके, एंड काइनेटिक एनर्जी इट कॉजेज अ सेंसेशन ऑफ हियरिंग इन आवर ईयर्स. पोटेंशियल एनर्जी कैसे? मान लो आप कोई भी काम कर रहे हो, जैसे मान लो आप एरो और वो है उससे आप ऐसे खींच के आप उसमें क्या कर रहे हो, रस्सी को खींच के एरो बो से आप एरो मार रहे हो. ठीक, तो ये क्या है? एक तरह का पोटेंशियल एनर्जी है. इसमें कोई वर्क लग रहा है जो आप खुद लगा रहे हो. और काइनेटिक एनर्जी, जैसे कि आप लोग देखा होगा रोलर कोस्टर या कोई भी झूला है उसमें एक तरह का क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है. काइनेटिक एनर्जी है, उससे भी क्या है, उससे भी साउंड प्रोड्यूस होता है. और ये सारे ही एनर्जी क्या क्या करते हैं, ये एक सेंसेशन प्रोड्यूस करते हैं जो क्या करते हैं हमारे ईयर्स से, जिससे हम बहुत ही इजिली सुन सकते हैं. एंड सेकेंड, साउंड हेल्प अस टू कम्युनिकेट विद अदर्स. साउंड नहीं होगा तो हम एक दूसरे से कम्युनिकेट भी नहीं कर पाएंगे. जब जब आप बोल रहे हो उसमें से कोई मतलब कि वाइब्रेशन नहीं होगा, आवाज नहीं निकलेगी, तो हम सामने वाला इंसान सुन भी नहीं पाएगा. ठीक है, और साउंड से क्या होता है, एयर प्रेशर में क्या होता है, वेरिएशन होता है, वेवलेंथ होती है. जैसे मान लो एक बाजा लगा हुआ है, ठीक है, इसमें से जो साउंड निकलती है इससे क्या होता है, एयर प्रेशर में क्या होता है, वेरिएशन होता है. वेरिएशन वेरिएशन इन एयर प्रेशर. ठीक, और क्या होता है, और वेवलेंथ बनती है. ठीक, वेवलेंथ बनती है. ठीक है, एंड नेक्स्ट मूविंग फॉरवर्ड द प्रोडक्शन ऑफ साउंड. तो साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, जब कोई बॉडी वाइब्रेट करती है तो क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है. ठीक है, और जो भी कोई मटेरियल होता है, जब उसका कोई मोशन होता है, जब वो इधर से उधर होता है, तो उससे भी क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है. ओके, सो राइट द पॉइंट्स. Of sound. Sound is produced due to vibration of object
मोशन ऑफ मटेरियल्स और ऑब्जेक्ट कॉजेस वाइब्रेशन vibration is a kind of rapid to and fro motion of an object a central position it is referred to as oscillation. साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है? साउंड जो होता है जब किसी ऑब्जेक्ट में वाइब्रेशन होता है तो साउंड प्रोड्यूस होता है. जब कोई मोशन ऑफ मटेरियल और ऑब्जेक्ट कॉजेस वाइब्रेशन, कोई भी ऑब्जेक्ट जब मोशन में होता है तो वो क्या करता है, वो वाइब्रेशन प्रोड्यूस करता है जिसके थ्रू क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होती है. वाइब्रेशन इज अ काइंड ऑफ रैपिड टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अ सेंट्रल पोजिशन इट इज रिफर टू एज ऑसिलेशन. तो जैसे कोई भी पेंडुलम ले लो, ठीक है, जैसे मान लो ये पेंडुलम ले लो घड़ी, जब वो अब सपोज ये एक पेंडुलम है, ठीक, ये ऐसे मूव कर रही है टू एंड फ्रो, ठीक, टू एंड फ्रो. तो इस मोशन से भी क्या होता है, वाइब्रेशन होता है और इससे भी क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होती है. और इस मोशन को क्या कहते हैं हम, ऑसिलेशन. ठीक है, ऑसिलेशन. सो मूविंग फॉरवर्ड, जैसे कि साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी. फर्स्ट यहां से देखो हाउ डू यू कम टू नो डेट अ पीरियड इज ओवर इन स्कूल. यू कम टू नो इजली डेट समवन इज एट योर स्कूल डोर व्हेन ही नॉक्स एट और यू हियर द साउंड ऑफ अ डोरबेल. Most of the time you can make out that someone is approaching you by just hearing the footstep. अब आपको कैसे पता चलता है, ठीक, जब आपके स्कूल में जब बेल होती है तो उसमें भी क्या होता है, उसमें भी वाइब्रेशन होता है जिससे क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होती है. ठीक, डायरेक्ट साउंड ही निकलती है उसमें, पहले उस स्ट्रक्चर में, उस बेल में जब वो रिंग होती है तो उसमें वाइब्रेशन होता है, ठीक, और उसी से क्या होती है, साउंड प्रोड्यूस होती है. इसी तरह बहुत सारे एग्जाम्पल हैं. सो साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग बॉडी. टच द स्कूल बेल व्हेन नॉट इन यूज, व्हाट यू फील. अगेन टच इट व्हेन प्रोड्यूसिंग साउंड, कैन यू फील द वाइब्रेटिंग. जब स्कूल बेल नॉर्मल है, उसमें जब कोई भी वाइब्रेशन नहीं हो रहा है, ठीक, तो आप मतलब जब वो उसको जब बजाया नहीं गया, ऑन नहीं किया गया, तो उसमें आपको कोई भी चीज फील होगी, नहीं होगी. बट वेन जब उसको चालू किया गया तो उसमें आपको एक वाइब्रेशन सुनाई, वाइब्रेशन फील होगा, उसमें से साउंड निकलेगा. ठीक, नेक्स्ट टेक द स्क्रीनशॉट इफ यू वांट. Sound is produced by vibrating body. Suppose एक example, ये एक आपका pan है, ये आपका एक pan है, और बड़ा बना सकते हैं, ये आपका एक pan है, इसको आपने हवा में लटका दिया,
बिना ही किसी वॉल से टच करे बिना, ठीक, और इस पे आपने एक स्टिक से इस पे मारा, तो ये क्या करेगा, ये वाइब्रेट होगा, जिसके थ्रू क्या होगा, साउंड प्रोड्यूस होगा, ओके। और देखो, टेक अ मेटल प्लेट, हैंग इट एट अ कन्वीनियंट प्लेस इन सच अ वे दैट इट डज नॉट टच एनी वॉल, नाउ स्ट्राइक इट विद अ स्टिक, डू यू हियर अ साउंड, टच द प्लेट और पैन जेंटली विद योर फिंगर, डू यू फील द वाइब्रेशन, अगेन स्ट्राइक द प्लेट विद अ स्टिक एंड होल्ड इट टाइटली विद योर हैंड्स, इमीडिएटली आफ्टर स्ट्राइकिंग डू यू फील, डू यू स्टिल फील द साउंड, टच द प्लेट आफ्टर इट स्टॉपिंग प्रोड्यूस साउंड, कैन यू फील द वाइब्रेशन नाउ। सो पहले आप इसको इस पे स्ट्राइक करो, ठीक, अब वेट फॉर सम टाइम, तब इसको आप फील करो, इससे आपको क्या होगा, साउंड तो जब जैसे आप मारोगे वैसे साउंड निकलेगा, लेकिन साउंड निकलने के बाद व्हेन यू टच इट, इसमें तब भी क्या होगा, हल्का सा वाइब्रेशन होगा, और जब आप तुरंत जब इस पे स्ट्राइक करके जब आप छूओगे तो इसमें क्या होगा, वाइब्रेशन एंड साउंड दोनों प्रोड्यूस होगा, ठीक। अब एक एग्जांपल ले लो, आपने as it has been written over here, take a rubber band, so it has been written over here, take a rubber band, put it around the longer side of a pencil box, insert two pencil between the box and stretch the rubber, now pluck the rubber band somewhere in the middle, do you hear any sound, does the band vibrate, so iske beech mein hi aap isko aise pluck karo to aapko yahan pe koi na koi sound produce hogi, vibration hoga, theek। ab next example, एक आप गोल प्लेट लो, ठीक है, उसमें क्या करो, पानी भर दो, वाटर, एंड देन इसके एज पे, देन इसके एज पे आप चम्मच से या किसी भी चीज से मारो, तो इसमें क्या होगा, वाइब्रेशन होगा, और उस वाइब्रेशन के थ्रू वाटर में क्या होगी, वेव फॉर्म होगी, ठीक, वेव फॉर्म होगी, तो क्या होता है, वाइब्रेशन से क्या होता है, वाटर में वेव भी फॉर्म होती है, किसी भी मीडियम में हो चाहे, ठीक है। अब तुमने देखा भी होगा कि पहले नदी वगैरह में जब आप ऐसे करके पत्थर मारते हो, ठीक, तो उस पत्थर से क्या होता है, नदी में भी ऐसे करके वेव फॉर्म होती है, ठीक है, वाइब्रेशन होता है जिसके थ्रू वाटर में वेव फॉर्म होती है, तो वाइब्रेटिंग डिश प्रोड्यूसेस वेव्स इन वाटर, ठीक, वाइब्रेटिंग डिश प्रोड्यूसिंग वेव्स इन वाटर। So, we see that vibrating object produces sound. In some cases, the vibration are easily visible to us, but in most cases, their amplitude is so small that we cannot see them. However, we can feel them. So, वैसे मैंने कहा कि बहुत सारे का amplitude इतना छोटा होता है कि हम उनको देख नहीं सकते हैं, हम उनको सुन नहीं सकते हैं, but they are not visible, but हम उसको क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, ठीक है। अब इसी तरह क्या है, देखो ये फिगर 13.4 है, टेक अ हॉलो कोकोनट शेल एंड मेक अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एक तारा, यू कैन ऑल्सो मेक इट विद द हेल्प ऑफ अ अर्थन पॉट, प्ले दिस इंस्ट्रूमेंट एंड आइडेंटिफाई इट्स वाइब्रेटिंग पार्ट। तो इसमें क्या होता है, एक तारा में जिससे आप ऐसे से करके बजाते हो, उसमें कोकोनट का शेल होता है, तो उसमें उसका वाइब्रेटिंग पार्ट क्या है, उसकी स्ट्रिंग है, ठीक, उसकी स्ट्रिंग नहीं है, उसकी थ्रेड है, उसमें तो एक तारा में तो क्या बोलते हैं, थ्रेड लगा होता है ना, स्ट्रिंग तो गिटार वगैरह में लगी होती है, तो उसमें उसका वाइब्रेटिंग पार्ट क्या है, एक तारा में वाइब्रेटिंग पार्ट क्या है, इसका थ्रेड, क्या है, थ्रेड। अब इसी तरह मान लो गिटार आएगा अगर, तो इसमें क्या है, इसका स्ट्रिंग,
मान लो हो गया, तो फ्लूइड में इसका वाइब्रेटिंग पार्ट क्या है, उसका एयर कॉलम। कैसे? जब फ्लूइड बजाते हो तो उसके होल पे ऐसे रख के बजाते हो ना, तो उसी में से तो ऐसे हवा बाहर आती है, तो उसी उसी होल के थ्रू ही तो जो है वो साउंड प्रोड्यूस होती है, तो उसका वाइब्रेटिंग पार्ट क्या हो गया, उसका एयर कॉलम। और देखो क्या दिया हुआ है इसमें, देखो, और वीना हो गया, उसमें क्या होता है, वीना में उसका जो स्ट्रेस स्ट्रिंग होता है वो वाइब्रेट करता है, ठीक। तबला, उसमें उसका क्या होता है, तबला में उसका मेम्ब्रेन। अब ऐसा नहीं है कि मान लो तबला है, आप बस उसके ऊपर वाले मेम्ब्रेन को ही अलग से उठा के काट के या निकाल के ले आओ और उसको बजाओ, उसमें जो साउंड प्रोड्यूस होगी वो डिफरेंट होगी। तो जो पूरे बॉक्स के थ्रू जो उसका हॉलो सर्फेस होता, हॉलो स्ट्रक्चर जो होता है, उसी के थ्रू ही तो साउंड निकलती होती ना। बस जो उसका मेम्ब्रेन होता है वो एक माध्यम है, ठीक है, वो क्या है, वो एक पार्ट है जिसके थ्रू उस पूरे में क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक। ये इसका स्ट्रेस मेम्ब्रेन। सो यू कैन नोट सम एग्जांपल्स। Stretched rubber band when plugged vibrates and produce sound. In the music room of your school, you hear the sound made by musical instruments like flute, tabla, harmonium, guitar, as a club because of vibration. When a spoon is beaten on a plate, it starts vibrating and produces sound. ठीक? When a spoon is beaten on the plate, it starts vibrating and produces sound. So what are the example? A stretched rubber band when plugged vibrates produces sound. तो एक रबर बैंड को जब आप स्ट्रेच करोगे तो उसमें से क्या होगा, वो वाइब्रेट होगा और उसके थ्रू क्या होगा, साउंड प्रोड्यूस होगी। इन अ म्यूजिक रूम ऑफ स्कूल यू हियर द साउंड्स मेड बाय म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक फ्लूट, तबला, हारमोनियम। आई हैव गिवन द एग्जांपल बिफोर ओनली। सो व्हेन अ स्पून इज बीटन ऑन अ प्लेट इट स्टार्ट वाइब्रेटिंग एंड प्रोड्यूसेस साउंड। तो जब भी आप प्लेट पे स्पून से ऐसे करके स्ट्राइक करोगे तो उससे भी क्या होगा, वाइब्रेट करेगा और साउंड प्रोड्यूस होगा, ठीक। And there are many other, एक क्या example है, मंजीरा, ठीक। You have seen, let me now take a screenshot. So moving forward,
comes up. Example, manjira. Manjira. जो आप लोगों ने देखा होगा कीर्तन पूजन में जो ऐसे करके इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें पीछे थ्रेड लगी होती है जिसको ऐसे करके स्टक करते हो तो उसमें से क्या होता है वाइब्रेशन होता है उसमें भी क्या होता है एक तरह का साउंड प्रोड्यूस होता है ठीक है उसमें एक तरह का साउंड प्रोड्यूस होता है। सो अब नेक्स्ट आप लोग एक टम्बलर ग्लास ठीक है चार पांच छह तरह के ग्लास ले लो ठीक है तरह के नहीं पांच छह ग्लास ले लो और उसमें अलग अलग हाइट पे आप लोग वाटर भर लो ठीक किसी में इतना कम पानी किसी में इतना पानी फिर किसी में और पानी किसी में थोड़ा सा पानी किसी में और ज्यादा पानी एंड देन स्ट्राइक इट विद अ स्टिक तो क्या होगा हर मीडियम पे हर ग्लासेस में अलग अलग तरह से साउंड प्रोड्यूसर्स होगा ठीक। एक्टिविटी 13.5 टेक 6 to 8 बाउल्स और टम्बलर्स फिल देम विद वाटर अप टू डिफरेंट लेवल इंक्रीजिंग ग्रेजुअली फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड ठीक। नाउ टेक अ पेंसिल एंड स्ट्राइक द बाउल्स जेंटली स्ट्राइक ऑल ऑफ देम इन सक्सेशन यू विल हियर अ प्लीजेंट साउंड दिस इज योर जल तरंग नो इन दिस यू हैव टू टेक वाटर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ओके लाइक इन दिस वे और इसमें जब आप टैप करोगे ऐसे करके तो एक क्या होगा प्लीजेंट साउंड सुनाई देगा प्लीजेंट साउंड इसको हम क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं जल तरंग ठीक है। सो आई थिंक दिस ओनली दिस इज फॉर टुडे टुमारो वी आर गोइंग टू स्टडी साउंड प्रोड्यूसेस बाय ह्यूमन एंड योर होमवर्क विल बी यू हैव टू टेल मी द ऑब्जेक्ट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट and their parts which produces sound ठीक है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड देयर पार्ट्स विच प्रोड्यूसेस साउंड ठीक ओके फ्रेंड ओके स्टूडेंट्स थैंक यू क्लास।